हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आपको अपडेट मिल जाए। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स का सीजन आ चुका है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी स्किन विंटर्स में ड्राई हो जाती है या फिर आपके फेस पे पपड़ियाँ निकलती है या फिर आपका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं होता, सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला जो विंटर टिप बताने वाली हूँ उसमें आपको लेना है 1 स्पून हनी एंड उसमें थोड़ा सा आपको ग्लिसरीन मिक्स कर लेना है जो आपको किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। सो मैं इन दोनों को मिक्स करके क्या करूँगी, एक कॉटन पैड लूँगी, कॉटन पैड की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और उसे 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद में मेरे पूरे फेस को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। और सेकेंड मेन हमारा जो स्किन केयर टिप है वो है मॉइस्चराइजर। आप एवरी सीजन में कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, लोशन बेसिस हो गया या फिर क्रीम बेसिस हो गया, बट विंटर केयर में आपको मॉइस्चराइजर के लिए सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। विंटर सीजन में आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं वो हमारे स्किन में जाके पेनेट्रेट होकर हम पूरे दिन तक हमारे फेस को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है। सो इसके लिए यहाँ पर मैं क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करूंगी और अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है ना सो फिर भी आप क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइजर यूज करो तो ज़्यादा बेटर होगा। सो मेरी तो यहाँ पर अल्ट्रा ड्राई स्किन टाइप है, सो मैं यहाँ पर ये वाला क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से जो मेरा फेस है वो पूरे दिन तक हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहता है और मुझे कुछ भी ऐसा इशू नहीं है कि जो मेरा फेस है वो ड्राई हो जाता है या फिर मेरा जो मेकअप है वो पैची हो जाता है। सो सबसे बेहतर तरीका है आपके फेस को मॉइस्चराइज रखना इन विंटर, सो आप क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइजर यूज़ करो वो बेटर होगा। सो मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है सनस्क्रीन की। सो विंटर हो, समर हो या फिर मॉनसून हो, हर एक सीज़न में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है। सो भले ही आप घर पर ही क्यों ना, बट आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है। सो सनस्क्रीन अप्लाई करे बिना आपको कहीं पर बाहर नहीं जाना है, जो जिसकी वजह से आपको इश्यूज भी होते हैं लाइक डिस्कलरेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन वगैरह हो जाता है। सो आप कोई भी सनस्क्रीन लेते हो, कोई भी ब्रांड का आप सनस्क्रीन ले सकते हो, बट वो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो सनस्क्रीन है वो SPF 15 से ऊपर होना चाहिए और अगर आपको 30+ SPF मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और आपको सनस्क्रीन फेस पे रब नहीं करना, आपको जेंटल हाथों से पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना और आपका जो भी ओपन एरिया है वहाँ पर भी अप्लाई कर लेना है, जैसे नेक पर, हैंड्स पे, हर जगह अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आती है लिप्स की बारी। तो लिप्स का जो हाल है विंटर्स में सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो लिप्स है वो चैप्ड हो जाता है, पपड़ियाँ निकलने लगती हैं। सो इसकी वजह से आप लिप्स को स्क्रब भी कर सकते हो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चेक कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे आप कोई भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूले, साथ में सब्सक्राइब भी कर दे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।